सियाचिन में देश की नारी शक्ति कौन है? कैप्टन शिवा चौहान, जो सियाचिन में तैनात पहली महिला ऑफिसर बनी। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे दुर्गम, सबसे शीत और बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जहां भारतीय सेना के रणबांकुरे -40 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड के जानलेवा तापमान में भी देश की सरहद की रक्षा करते हैं। यहाँ का बेहद खतरनाक वातावरण बिना ट्रेनिंग वाले किसी भी शख्स की कुछ ही घंटों में जान तक ले सकता है। इसी वजह से इस सीमा की रक्षा के लिए कुछ सबसे फिट और मजबूत सैनिकों को ही तैनात किया जाता है, जो यहाँ के भीषण और बेहद खतरनाक माहौल में खुद को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। शुरू से ही यहाँ पर अब तक पुरुष सैन्य अधिकारियों और सिपाहियों की ही तैनाती होती आई है, लेकिन अब ये परंपरा तोड़ी है एक जाबाज महिला सैन्य अधिकारी ने, जिनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। महिला दिवस पर हम आपको इस भारतीय शेरनी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण और ऊंचा बैटलफील्ड कहा जाता है। ऐसे में कैप्टन शिवा चौहान 15,600 फीट की ऊंचाई पर सेवा देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। ऐसे में जो सियाचिन अब तक महिलाओं की पहुंच से अछूता था, वहां पर शिवा चौहान अपने हौसलों से झंडे गाड़ रही हैं। कैप्टन शिवा के बारे में जानना काफी रोमांचक और इंस्पायरिंग है। ये वो महिला सैन्य अधिकारी हैं जिनके कठिन परिश्रम और सेना की चुनौतीपूर्ण भूमिका के प्रति उत्साह के कायल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर और -40 डिग्री के जानलेवा हालात में तैनात की गई पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। हाल ही में भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया था कि कैप्टन शिवा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच 1984 से रुक रुक कर लड़ाइयां होती रही हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सितंबर 2021 में विशेष रूप से विकलांग लोगों की एक टीम ने पहाड़ को बोना साबित करते हुए सफल चढ़ाई की थी और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती को भारतीय सेना ने एक उपलब्धि बताया था। सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम और बेहद कठिन क्षेत्र में पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान की सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इन्हें नारी शक्ति की मिसाल बताया था। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम युद्ध इंजीनियरिंग संबंधी कार्य करेगी। इस टीम को 3 महीने की अवधि के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि इतने ठंडे तापमान में जहां किसी व्यक्ति का अच्छी ट्रेनिंग के अभाव में जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन है, वहां पर जाबाज अपनी बुलंद हौसलों की मिसाल पेश करते हैं। ये इन्हीं के हौसले हैं कि भारत की सरहद इस खतरनाक वातावरण में भी महफूज बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।